हे वस्तु गाइस, वेलकम बैक अगेन विद न्यू वीडियो। एंड गाइस, इस वीडियो में बताऊँ कैसे आप इस तरह की कलर रूम कैसे लेकर आ सकते हैं अपनी फोटो में। सो गाइस, जो आपको स्क्रीन फोटो इसमें कलर रूम काफ़ी अमेजिंग है एंड जो इसमें जो रेड टोन दिख रहा है काफ़ी अमेजिंग है, ठीक है। और गाइस, आज की वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँ कैसे इस तरह की कलर रूम कैसे लेकर आ सकते हो। सो गाइस, उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं, लाइक कर लीजिए पहले, एंड उसके बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। एंड गाइस, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए और इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर मुझे डायरेक्टली फॉलो कर सकते हो। सो या गाइस, विदाउट एनी वेस्ट मोर टाइम, लेट्स गो फॉर इट। लेट्स गो गाइस, यहाँ पे मैंने सबसे पहले लाइटरूम की एप्लीकेशन ओपन कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे लाइटरूम की एप्लीकेशन के अंदर अपनी खुद की फोटो इंपोर्ट करनी यानी ऐड करनी, जैसे मैंने यहाँ पे कर लिया, ठीक है, एक फोटो। और उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे इस ऑटो वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। इससे क्या होता है, फोटो में जो कलर होंगे ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद सिंपली स्क्रॉल करना है, जैसे स्क्रॉल करोगे एंड गाइस यहाँ पे नीचे आपको एक कलर का ऑप्शन मिला, क्लिक करना है इस कलर के ऑप्शन पे। एंड यहाँ से आपको क्या करना है, वेब रेंज थोड़ी सी बढ़ानी है सबको, ठीक है। वेब रेंज में थोड़ी सी बढ़ा दूँ 50 के आसपास। एंड उसके बाद सिंपली आपको जाना है मिक्स वाले ऑप्शन पे, मिक्स पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद सिंपली यहाँ पे जो सेकंड कलर दिख रहा है ऑरेंज, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। एंड इसका सेचुरेशन थोड़ा सा माइनस करना है, ठीक है। तो मैं 20 के लिए सेचुरेशन एंड लूमिनस को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लीजिए, ठीक है। तो लूमिनस को मैंने +20 कर लिया। एंड उसके बाद यहाँ पे देखिए फेस ब्राइट हो चुका है। एंड गाइस, उसके बाद सिंपली आपको जाना है इस येलो कलर के ऑप्शन पे, ठीक है। एंड इसका ह्यू एकदम -100 करना है, ठीक है। तो देख लीजिए, मैंने ह्यू एकदम -100 कर लिया। एंड उसके बाद सिंपली आपको जाना है इस डार्क ग्रीन पे जाना है, ठीक है। इसका भी सेम करना है, ह्यू एकदम -100 करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो बैकग्राउंड एकदम येलो हो चुका है, ठीक है। इतना करने के बाद सिंपली आपको जाना है इस डार्क ब्लू पे, ठीक है। एंड इसका भी सेम करना है, ह्यू एकदम -100 कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, पूरा हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट ये वाला स्टेप। उसके बाद यहाँ पे ऊपर आपको डन करना है, ठीक है। डन करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। स्क्रॉल करोगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर की साइड है ऑप्शन प्रोफाइल का, क्लिक करना है इस प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे, ठीक है। एंड यहाँ पे इस फेवरेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे जाना है आर्टिस्टिक पे जाना है, ठीक है। तो आर्टिस्टिक पे क्लिक कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है आर्टिस्टिक 03, क्लिक कर लिया आर्टिस्टिक 03। एंड नीचे जो लाइन दिख रही है, ठीक है, इस लाइन को आपको खींचना है, ठीक है। तो लाइन को मैं थोड़ा बढ़ा दूंगा, तो देख लीजिए लाइन जैसे मैंने बढ़ाई, ठीक है। पूरा बैकग्राउंड रेड कलर का हो चुका है, ठीक है। तो 200 कर लिया मैंने, तो लाइन को 200 कर लीजिए। एंड उसके बाद टिक पे क्लिक करना है, ठीक है। टिक पे जैसे क्लिक करोगे तो देख लीजिए रेड कलर हो चुका है फोटो में, फोटो का अमेजिंग दिख रही है। एंड स्क्रॉल करोगे तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्क्वायर का, क्लिक करना है इस पर। एंड टेक्स्चर थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, क्लियरिटी थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, ठीक है। एंड विग्नेट को थोड़ा माइनस कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे फोटो काफ़ी अमेजिंग दिखी। इतना करने के बाद यहाँ पे गाइस देख लीजिए फोटो बन चुकी है। एंड उसके बाद आपको चाहिए एक PNG जो इसमें ऐड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले फोटो सेव कर लीजिए, शेयर वाला ऑप्शन क्लिक करना आपको यहाँ पे सेव टू डिवाइस, ठीक है। एंड ये फोटो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी, ठीक है। और इस फोटो को आपको लेके जाना है PicsArt की एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से PicsArt की एप्लीकेशन ओपन करूँगा मैं। सो गाइस, यहाँ पे देख लीजिए ना PNG ऐड कर लेगा, ठीक है। इस PNG को थोड़ा बड़ा कर लूँगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये PNG मैंने ऐड कर लिया, इसको थोड़ा इतना बड़ा कर लूँगा। और उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, साइड में इस इरेजर के ऑप्शन में क्लिक करना है, ठीक है। एंड फेस में जो ये PNG आ रहा है, ठीक है, इसको रिमूव करना है, इस इरेजर के ऑप्शन क्लिक करके इसको रिमूव कर लीजिए इतना, ठीक है। तो ये देख लीजिए, मैंने रिमूव कर लिया। एंड जहाँ पे लग रहा है कि आप ये, जहाँ पे आपको ये लग रहा है ना कि ये एक्स्ट्रा आ रहा है, उसको रिमूव कर सकते हो इस इरेजर के ऑप्शन क्लिक करने के बाद, ठीक है। और इसके बाद टिक पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फोटो एकदम रेडी हो चुकी है, यहाँ पे टिक पे क्लिक कर लेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फोटो काफ़ी अमेजिंग दिख रही है, ठीक है। और उसके बाद सिंपली आपको इस ड्रॉ वाले ऑप्शन में क्लिक करना है आपको, ठीक है। एंड यहाँ पे शो पे क्लिक करोगे साइड में एंड सेव इमेज। एंड गाइस, अब देखिए फोटो काफ़ी अमेजिंग बन चुकी है और आपकी फोटो गैलरी में सेव हो जाएगी। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर उसमें लाइक करो, शेयर करो और अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो एंड बेल का नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो। एंड गाइस, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। तो मिलता हूँ आपको अगले एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक स्टे ट्यून्ड विद निक टेक्निक।